तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश होने से पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का जो आखिरी वीडियो सामने आया था उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के मोबाइल फोन को जब्त करते हुए फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही उनसे ये भी सवाल उठाए हैं कि वे जंगल के उस इलाके में क्या कर रहे थे जहां बाहरी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हादसे के अगले दिन इस हेलीकॉप्टर का क्रैश होने से ठीक पहले का वीडियो सामने आया था, जिसमें हेलीकॉप्टर बेहद नीचे उड़ते हुए अचानक धुंध में गुम होता दिखाई देता है। इसके बाद विस्फोट की आवाज सुनाई देती है। इस वीडियो को बनाने वाला पुरुष और महिलाओं का एक समूह भी इसमें दिखाई देता है, जो जंगल में एक रेलवे ट्रैक पर खड़ा हुआ है। बाद में इस वीडियो को बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी सामने आई। यह वीडियो कोयम्बटूर के एक फोटोग्राफर वाई जो पॉल उर्फ कुट्टी ने बनाया था, जो उस वक्त हिली नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के कटेरी एरिया के जंगल में अपने दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए हुए थे। एक मीडिया हाउस से बातचीत में कुट्टी ने बताया कि क्रैश के वक्त वो अपने दोस्त नासिर और परिवार के साथ कटेरी में पहाड़ों पर बने रेलवे ट्रैक पर फोटो शूट कर रहे थे। इस मामले की जांच चल रही है।